बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती चली जा रही है। विधानसभा के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे कोहरा हटता चला जा रहा है, राजस्थान में सरकार किसकी बनने वाली, ये तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं। अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ सुरेश गर्ग जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त योगेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत अवधेश जी आप ही से करते हुए, क्योंकि ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाले होंगे? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक के ट्रेंड है उसमें बीजेपी ने काफी ठीक ठाक बढ़त बना ली है, लेकिन कांग्रेस भी अभी उतनी पिछड़ी नहीं है जितना माना जा, जो पिछले विधानसभा के चुनाव रहे जब कांग्रेस सत्ता में रही है तो वो एकदम बहुत ज्यादा पिछड़ जाती है। इस बार कांग्रेस ने मुकाबला अच्छा किया है, और ये भी संभव है कि थोड़ी थोड़ा और टैली में सुधार होता है तो कड़ा संघर्ष भी देखने को मिले, लेकिन अभी अभी तक के जो ट्रेंड है, हालांकि जो ट्रेंड सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, 12 बजे तक थोड़ा सेटल होगा, अभी तक के ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट रूप से आसानी से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तक के रुझान यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सुमित जी अभी भी वही बात कहेंगे, रिवाज बदल डालेंगे? बिल्कुल, अभी मैं आपको पिछले हिमाचल प्रदेश चुनावों का याद दिला देता हूं कि 11 से 12 बजे तक बीजेपी का जो शिमला में मुख्यालय है वहां पे पटाखे चला रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, ट्रेंड बदला, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 12 बजे बाद इस प्रदेश में भी, इस विधानसभा में भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी शपथ लेने आएगा, और इसमें कोई दोराई नहीं है कि हमारी जो नीतियां थी, जनहितकारी नीतियां, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, और जनता हमें वोट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए निकली है, और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार। तो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये अभी भी दावा है कांग्रेस का। सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस तो अभी भी दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े बजने लग गए हैं। प्रियंका जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। मैं बता रहा हूं कि 125 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। पिछले 5 साल से जो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, पावर सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से रिटायर्ड अफसरों को पैसे लेकर रिटायर्ड अफसरों को लगाया, और किस तरह से भ्रष्टाचार पावर सेक्टर में किया। पावर सेक्टर में इस तरह से बिजली की दरें 5.5 रुपए से 11.90 रुपए बढ़ाई है, इन रिटायर भ्रष्टाचार का मुद्दा काम कर रहा है या जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ध्रुवीकरण की कोशिश की गई? राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा और 70 लाख युवाओं के साथ इन्होंने जो ठगी की है, वो सब जनता युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार राजस्थान में 5 साल तक चरम सीमा में बजा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिछले 9 साल से जो पूरे राष्ट्र के लिए जो नीति चल रही है, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी लेके आए, तो वो उन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो अभी भी दावा, जैसा कि आप रविंद्र सुन रहे होंगे, दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है कि सरकार तो हमारी बन रही है। खैर, कुछ ही समय में तस्वीरें भी साफ होंगी और पता चलेगा कि किसके सर सजेगा जीत का ताज। योगेंद्र जी, देखिए, दोनों दलों में से किसी की भी जीत हो, सरकार कोई भी बनाए, हम रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही करेंगे, पहले बधाई देंगे दोनों में से जो जीतेगा उसको, और रिक्वेस्ट इतना करेंगे कि जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको 24 घंटे अपने हाथ में रखें, फिर जनता की तरफ देखें और देख करके सुनिश्चित करें कि अगले 5 साल तक उस चुनावी घोषणा पत्र का एक एक वादा पूरा होना चाहिए, और अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं आपको यहां पर वादा करके जा रहा हूं कि यह हमारा वादा है कि हम वादे को पूरा करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, मजबूर करेंगे और जनता के आवाज बनकर बड़ी आवाज यहां पर निकलेंगे, और अगले जब चुनाव आएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी आवाज राजस्थान के बनकर उभर रही है। तो योगेंद्र जी का कहना है कि इस बार तो भले ही हम सरकार में नहीं आ पा रहे, लेकिन विपक्ष की भूमिका जरूर पूरी तरीके से निभाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे और याद दिलाएंगे सरकार को कि याद करिए कौन से वादे लेकर आप सत्ता में आए हैं। तो लगातार नतीजे आपको दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं, महासंग्राम 2023 को लेकर मेगा कवरेज सबसे पहले सबसे तेज। रविंद्र, और याद तो दिलाने की बात वो भी है जब एक वक्त था जब आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा विकल्प हम यहाँ पर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ अतापता यहाँ बड़ी अपडेट आ रही है। रविंद्र, हम बता दें दर्शकों को, डीडवाना से